पुलिस अधीक्षक संभल यमुना प्रसाद के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशन तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी गुन्नौर के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ के अभियान में कोतवाली प्रभारी गुन्नौर तथा रजपुरा ने मई पुलिस के साथ मुखबिर की सूचना पर दो अलग अलग स्थानों से अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्त अरशद उर्फ कालिया थाना बनियाठेर क्षेत्र से 128 ए का प्रचलित दुराचारी है तथा कबीर यादव को पकड़ा गया है। दोनों अभियुक्तों से 15 बने व 3 अधबने, कुल 18 अवैध शस्त्र, 4 जिंदा कारतूस तथा हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। इस विषय में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि गुन्नौर तथा रजपुरा थाना कोतवाली प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी ने छापा मारकर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वह इन हथियारों को, बंदूक को 10,315 बोर के तमंचे को 7,000 व 12 बोर के तमंचे को 4,500 रुपए में बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे। बनाए गए हथियारों को उत्तर प्रदेश में आने वाले पंचायत चुनावों में उपयोग में लाने के लिए लोग मोटी रकम देकर खरीद रहे हैं। अधिक मुनाफाखोरी के चक्कर में लोग हथियारों के कारोबार में लिप्त हैं। ऐसे लोगों पर संभल पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने वाले और सप्लाई करने वालों के विरुद्ध भी अभियान चल रहा है, जिसमें दो थाना क्षेत्र हमारे गुन्नौर और रजपुरा थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें जो रजपुरा थाना क्षेत्र है वहाँ तुमरिया घाट के पास से अभियुक्त अरशद उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया गया है, जो थाना बनियाठेर का एक हिस्ट्री सीटर अपराधी है और ये पकड़ा गया है। इसके साथ ही गुन्नौर थाना क्षेत्र से एक अपराधी लियाकत पकड़ा गया है, जंगल ग्राम इटहुआ से। ये दोनों अपराधी अपने अपने क्षेत्र में शस्त्र फैक्ट्री चलाते थे और ऑन डिमांड शस्त्र बना करके बेचते थे। ये आने वाले आगामी प्रधानी चुनाव और आने वाले जो क्रिमिनल हैं उनको सप्लाई करते थे। ये डिमांड के अनुसार बंदूक को 10,000 रुपये में, 315 बोर का 7,000 रुपये में और 12 बोर का तमंचा 4,000 रुपये में बेचते थे, पोनिया 8,000 रुपये में। इस तरीके से जब भी कोई मांगता था इनसे, अपराधी या धमकी देने वाला व्यक्ति, उसको ये ऑन डिमांड बना करके सप्लाई करते थे। इसका प्रयोग हमेशा लूट, नकबजनी और आपराधिक गतिविधियों में होता था। अब ये शस्त्र फैक्ट्री बनाने वाले पकड़े गए हैं, इससे क्षेत्र में जो अवैध शस्त्रों की सप्लाई है वो रुकेगी और अपराध पे प्रभावी अंकुश लगेगा।